वेलकम टू डी एम वर्ल्ड। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले मासिक धर्म की अधिकता को सही करने के उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हम हर बार आपके लिए मेहनत करके अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं कि दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी लोग आए उन्हें पूरा 100% बेनिफिट रहे। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो से नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे सजेस्ट होकर जो लोग परेशान हैं उन तक वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट नहीं मिल पाती है तो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, आपको करना ये है, ये जो हमारे पास सामग्री है ये क्या है, क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ के पत्ते हैं। तो दोस्तों, ये कोमल पत्ते हैं हमारे पीपल के। तो पीपल के कोमल पत्ते, यानी कि जो नए ताज़े पत्ते आए हुए हों, इस तरह के पत्ते आपको नए नए ले लेने हैं। लगभग 7-8 पत्ते आप ले लें, उसके बाद इसका आपको रस निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका रस निकालेंगे। रस निकालने के बाद आपको बताते हैं कि इसका सेवन आपको किस तरह से करना है और यह नुस्खा आपको किस समय इस्तेमाल करना है और किस समय कितनी मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रस हमने निकाल लिया है। इस रस का लगभग 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है। कितनी भी पुरानी से पुरानी अगर ये समस्या है तो हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाती है। और सिर्फ आपको 1 से 1.5 चम्मच ही सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करना है, जिससे कितनी भी पुरानी से पुरानी ये समस्या हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।